लेकिन अभी ये रिटर्न जा रहा है, ये कहाँ जाएगा? ओह गॉड, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। कैसे आप सब लोग? वेल, आज के वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ नासिक। वेल, आप पूछोगे नासिक क्यों जा रहे हो? वेल, नासिक में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नासिक में मेरी एक प्रॉपर्टी है और उसको देखने मैं करीब 2 साल से गया नहीं हूँ, और 1.5 साल तो थैंक्स टू द लॉकडाउन मैं गया ही नहीं। सो आज मैं निकला सुबह, और सुबह का जो एक्सपीरियंस था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतना ट्रैफिक मिलेगा। 50 मिनट्स आई वाज स्टक इन ट्रैफिक नियर ठाणे और समवेयर, तो उसके क्लिप मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। सुबह सुबह क्या गंदा ट्रैफिक मिला है। तो आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो गया, 45 मिनट्स ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। और एंड द मेन थिंग इज दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉट होल्स ऑल्सो इन द रोड, और ऐसे बड़े बड़े पॉट होल्स है, ऐसे छोटे छोटे नहीं है। देख, तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का पता नहीं क्या हो गया, मे बी रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि खड्डे हो गए, कि रोड ख़राब हो गया है, कि जहाँ पे 1 घंटा लगता है मुझे वहाँ पे मुझे 2 घंटे लगे। तो इट वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। सो बाय द वे, ये देखो हम वेन्यू को लेके जा रहे हैं, एंड काफ़ी मज़ा आया अब तक। मतलब अभी मैंने फॉर्ड लेके आता तो शायद मुझे उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन ये गाड़ी में मुझे काफ़ी यू नो मज़ा आया चला के। इतना ट्रैफिक होने के बावजूद लाइक कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगा। क्या अजीब जगह है पार्क करने के लिए, ऐसे तो है यहाँ पे। सामने मुझे एकदम क्लियर रास्ता नजर आ रहा है। बाय द वे, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कैबिन नॉइज है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अभी अभी फिलहाल तो ये विंडोज ओपन है, सो अभी मैं इसको बंद करता हूँ विंडोज को, ठीक है, ये सारे विंडोज को के पीछे की भी बंद। ओके, सो दिस इज द साउंड इनसाइड द कैबिन। बहुत ही साइलेंट है ये कार, इसका इंजन एंड ऑल बहुत ही रिफाइंड है, तो इंस्टेंटली यू विल रियलाइज इट। और मुझे तो ज़्यादा पता चलता है क्योंकि क्या है ना, मैं फोर्ड से आया हूँ, तो फोर्ड का इंजन थोड़ा सा नॉइजी रहता है, इट इज़ बिट एग्रेसिव। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे रोड, देखो इट इज़ सो बैड। तो ये पहले नहीं हुआ करता था ऐसे, इतना ख़राब रास्ता। अभी थोड़ा सा, अरे यार ये आए यहीं से आ गए, अच्छे रोड में जाने की कोशिश किया मैं और वो वहीं से आया। ओके, बहुत ही ख़राब रास्ता है, बहुत ख़राब। क्या कर रहे हैं ये, क्या इधर फोटो भी निकाल रहे हैं? अच्छा, सो मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कसारा घाट टू स्टार्ट। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे भी कुछ तो है रास्ते में, देखो कितने बड़े बड़े खड्डे थे। सो आगे मुझे दिखाई दे रहा है टोल है, और वैसे तो मैं साउथ मुंबई से जब आ रहा था तब ठाणे तक मैं जब पहुँचा तो मैंने देखा कि ये MID में 22 का माइलेज दिखा रहा था, 22.5 ऐसे। और ऐसे गाइस, तो अभी मैंने विंडो रोल डाउन किया है और आप सुन सकते हो आवाज़, विंड नॉइज़ आता होगा। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, फिर आपको कैबिन नॉइज़ जो है वो पता चलेगा। अभी ये ट्रक जा रही है तो आपको सुनाई देता होगा, तो अभी मैं इसको ना विंडो को बंद, ठीक है। सो दिस इज़ द कैबिन नॉइज इनसाइड द Hyundai Venue। तो काफ़ी साइलेंट कार है, इंजन इज़ वेरी रिफाइंड एंड यू विल इंस्टेंटली कम टू नो। मेरे को तो शुरुआत में मुझे तो नींद आ रही थी, मुझे कुछ ऐसे साउंड नहीं आ रहा था ना इंजन का, तो आया एकदम ऐसा क्वाइट या थोड़ा सा आई नीडेड टू गेट यूज टू इट, बिकॉज अभी इसमें गियर चेंजेस जो होते हैं ना, आई यूज टू चेंज द गियर्स इन माई अर्लियर कार लिसनिंग टू द
इंजन साउंड, मतलब वो बहुत ही क्लियर आता था इंजन का साउंड, लेकिन अभी ये एकदम साइलेंट इंजन होने की वजह से ना वो मुझे थोड़ा और ध्यान से सुनना पड़ता है कि हाँ अभी सेकंड गियर डालने गए, थर्ड गए, ऐसे मतलब बहुत लोग होते हैं जो आरपीएम देखते हैं और फिर चेंज करते हैं ना. मैं आई यूज़ टू हियर द साउंड एंड चेंज दी गियर ऑफ द कार. सो अभी सामने आप देख रहे हो नाइस ओपन रोड. अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट रोल डाउन द विंडोज़ बिकॉज यहाँ पे हवा एकदम खुली खुली है एंड यू डोंट गेट टू ब्रीथ सच एयर इन द सिटी. सिटी में तो हम लोग एसी चलाते हैं, लेकिन ऐसे बाहर आके विदाउट विदाउट एसी चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है. मैंने अपनी ड्राइविंग स्टाइल है ना ऐसे ही थोड़ी चेंज की है. मैं अभी ट्राई करता हूँ कि मैं कांस्टेंट स्पीड पे चलाऊँ बिकॉज अर्लियर आप में से बहुत लोगों की तरह मैं भी लाइक आई यूज़ टू लव रेसिंग ऑन द हाईवे. अच्छी बात नहीं है बट ऐसा होता था बीच बीच में कभी, यू नो, इफ़ अ कार पासिस यू बाय तो एक तरह की एक रेस रहती थी, एक पॉइंटलेस रेस. तो हम सब करते हैं वो कभी ना कभी, लेकिन बाद में यू रियलाइज कि हाउ पॉइंटलेस इट इज़. द बेस्ट थिंग इज़ टू ड्राइव एट अ कॉन्स्ट ट्राई टू ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड बिकॉज उसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं. एक तो आप रिस्की सिचुएशन में नहीं जाते और दूसरा तो आपकी जो माइलेज एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो भी अच्छी हो जाती है. एंड सेकेंड द वेयर एंड टेयर ऑफ योर यू नो कार, यानी इंजन, उसके पार्ट्स एंड सस्पेंशन एंड ऑल, वो भी थोड़ा यू नो ठीक ठाक रहता है, उसकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है. जो लोग बहुत सालों तक तो कार रखते हैं ना वो लोग की ड्राइविंग स्टाइल अगर आप पूछोगे ना, देन दोज पीपल दे ड्राइव देयर कार अराउंड 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर. उनकी कार भले 170 किलोमीटर्स या 180 किलोमीटर्स पर आवर जाती हो, ये आई थिंक ये जाती है 170 180 तक, आई थिंक दिस गोज. बट इफ यू ड्राइव योर कार एट अराउंड दैट स्पीड 60 to 80 कॉन्स्टेंट स्पीड लाइट फुट पे, तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत है. ओडोमीटर में 1.5 लाख 2 लाख ऐसे भी जा सकती है, लेकिन आई डोंट, इतने इतने साल तो कोई गाड़ी रखता नहीं है. अरे अरे किधर पानी है किधर भी. एक तो प्रॉब्लम होता है ना कि पानी जिधर भरा होता है ना वो भी क्लियरली दिखता नहीं है, क्योंकि वो पानी का कलर भी रोड के जैसे हो जाते हैं, जैसे डर्टी वाटर ना. तो अभी मस्त एक फॉगी टाइप एरिया आ रहा है सामने, ये देखिए. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मैं एक्चुअली यहाँ से मैं वीडियो शुरू करने वाला था, पर फिर सोचा कि आई शुड माइट एज वेल कवर एवरीथिंग. अभी ये जो पहाड़ है इसके नीचे एक होटल आता है, तो वहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ थोड़ा खाने पीने के लिए. अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, ये ऐसा रास्ता है दोस्तों. यहाँ का वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा. देखो ओपन एयर वॉशरूम है एंड ऐसे लगता है आप बाहरी कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप अंदर हो. बट आप समझ रहे हैं ना, मतलब इट्स इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. यहाँ पे शटर भी है वॉशरूम के लिए. ओके सो गाइस, हम निकलते हैं और अभी रास्ते में ना कसारा घाट आएगा, वो कसारा घाट देखने को बहुत मज़ा आता है. कोशिश करता हूँ आपको व्लॉग में सब कुछ दिखाने. चलो अच्छा, इतने टाइम बाद ना 80 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट टाइम आया बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो पीछे बहुत ट्रैफिक था. नाउ इट इज़ रिलेटिवली ओपन और ये ऐसे ही ओपन रहने वाला है टिल आई रीच नासिक. तो हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि कभी कोई ये जो टेम्पोज ये ट्रक्स जो होते हैं ना वो अगर वो घाट्स में
बंद पड़ गए ना तो फिर तो वाह बहुत टाइम जाता है, वो कभी स्टॉल नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर यू आर स्टक। ये क्या लेके आ रहे, घास फूस। सो फॉर्चुनेटली देर इज़ नॉट मच रेन हैपनिंग हेयर, एक्चुअली बारिश चली ही गई, इसको बंद ही कर देता हूँ, तो वी आर इन लक, वी विल बी एबल टू कैप्चर द सीनरी अराउंड मोर प्रॉपरली। वेलकम टू जुरासिक पार्क। वन ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी गुड अबाउट द कार इज दैट इसकी जो ए सी है ना वो बहुत जल्दी कूलिंग कर देती है। हुंडई की सब कार्स में ऐसे होता है कि यही कार में है, क्योंकि बहुत फास्ट कूलिंग होता है। हाँ एक फ़र्क ये भी होता है कि रियर एसी भी है ना, रियर एसी वेंट्स भी है, तो शायद उसके वजह से भी फर्क पड़ता होगा ऐसे है। हाँ इधर देखो पूरा भूत बंगले के जैसे इधर तो। दोस्तों दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप सामने देखो ये जो व्यू आ रहा है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट व्यूज, एंड रेनी सीजन में यहाँ पे बहुत मज़ा। सुबह के टाइम तो बहुत फॉग भी रहता है, अभी कैसे अभी इट इज़ आफ्टरनून टाइम सो वी मे नॉट गेट टू सी द फॉग राइट नाउ, लेकिन अच्छा ही है हमको विजिबिलिटी क्लियर मिलेगी। लेकिन लुक एट द ग्रीनरी अराउंड, इट्स वेरी गुड। राइट सो अभी एक वैगन आर ओवरटेक करेगी मेरे को या कोशिश करेगी, नहीं गई लेकिन यस। तो अभी यहाँ से वो ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू होते हैं। या सो दिस इज कसारा घाट, यहाँ पे देखिए ये पूरे चाय कॉफ़ी, यहाँ पे भी मैं रुक सकता था लेकिन ठीक है, वो मेरा हमेशा का स्पॉट है इसके लिए मैं वहाँ पे रुका। यहाँ पे सिर्फ टी कॉफ़ी के लिए ठीक है, वहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हो अच्छा ऐसे। तो ये देखो तो मैं एक्चुअली यहाँ से शुरू करने वाला था वीडियो, पर अभी पता नहीं मैं कैसे क्या क्या इंक्लूड करूँगा वीडियो में, बिकॉज ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें शूट कर ली है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, मिनी वाटरफॉल्स, ये देखो ये एक है यहाँ पे छोटा वाला, एंड ऐसे ये जो ट्रक्स होते हैं वो कभी कभी बंद पड़ जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं एक बार आया था तो यहाँ पे एक 18 या 22 व्हीलर इस तरफ गिर गया था, यहाँ पे एक खड्डे जैसा है उसके टायर वहाँ पे फंस गए थे, ये बड़ा ट्रैफिक जाम, ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स का ट्रैफिक जाम हो गया था ऐसे। तो या एंड अरे यहाँ पे रास्ते थोड़े से ख़राब है, ये पैच थोड़ा सा, देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हियर। हाँ देखिए यहाँ पे आगे ट्रैफिक जाम लग गया, हाँ किस चीज़ के लिए,
ओ माय गॉड, जो मैंने बोला वही हुआ क्या? आगे कुछ गिरा भी रहा क्या? ऐसे लग तो रहा है। देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग इन द फ्रंट ओवर देयर। अरे अब तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी ये क्या हो गया? अरे लेकिन अभी ये रिटर्न जा रहा है, ये कहाँ जाएगा? दोस्तों आगे क्या हुआ ये आपको देखने मिलेगा अगले पार्ट में। तो सी यू इन पार्ट टू। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। दिस इज स्वाबी बॉन्ड सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।